बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ जैन, आप देख रहे हैं कुकिंग विद जैन। ये मैंने एक तस्वीर देखी थी, ये सैंडविच केक की, ये आज मैं आपके साथ ट्राई करेंगे, देखते हैं हम कि ये किस तरह के बनते हैं। तो अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। ये हमने आधा कप चीनी इसमें पहले शामिल कर ली, तकरीबन आधे कप से ये देख लें थोड़ी सी कम है, ये हम दोबारा इसमें शामिल करेंगे, यानी कि एक कप से थोड़ी सी कम चीनी, ये 150 ग्राम हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। अब हम इसमें 6 अंडे ऐड करेंगे। अब हम अंडों और चीनी को बीटर की मदद से फेंटेंगे। ये आप देख सकते हैं ये स्पंज का कलर हमारा चेंज हो चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लफी भी हो चुका है। इसका चीनी जो का जो दाना था वो भी इसमें खुर चुका है, तो ये स्पंज हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें 150 ग्राम मैदा शामिल करेंगे। ये मैं आपको कप में भी बता दूंगा कितना बनेगा। ये इसमें खुश्क दूध शामिल करेंगे थोड़ा सा, ये 15 ग्राम का मेरे पास एवरीडे का पैकेट है, तो हम ये इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 2 चम्मच बन जाएंगे। ये अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे आराम से, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से, बिल्कुल हमने सॉफ्ट हाथों से इसको मिक्स करना है ताकि जो इसका फ्लफी पन है वो ख़त्म ना हो। ये अब हम इसमें तकरीबन 4-5 चम्मच ऑयल के शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद इसको हम फिर से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। ये इसमें से हम थोड़ा सा जो है, ये हमारा जो केक का स्पंज है, ये हम थोड़ा सा इसमें साइड में निकालेंगे। ये हमने साइड पे निकाल लिया और अब हम इसमें ये पिंक कलर बिल्कुल हल्का सा शामिल करेंगे, लिक्विड पिंक कलर ले लें। ये हमने कलर शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको ये अपनी बेकिंग ट्रे में, एक ट्रे में हमने ये पेपर लगाया हुआ है, बटर पेपर आप लगा लें। ये अब हम इसको ट्रे में शामिल करेंगे। ये देख सकते हैं ये हमने ट्रे में इसको शामिल कर लिया। ये हमारी ट्रे ज़्यादा बड़ी थी तो एक साइड से हमने इसको फोल्ड करके बाकी ट्रे में इसको शामिल कर लिया। ये हमने इसमें हल्का सा ग्रीन कलर शामिल किया। इसको अब हम स्पंज को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देख लें कितना खूबसूरत इसका कलर आ चुका है। और कलर मिक्स करने के बाद इसको भी हम किसी भी कोली में शामिल कर लेंगे। ये हम थोड़ा सा ग्रीन कलर का पका लेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा केक स्पंज हमारा फेंटा जा चुका है। अब हम इसको बेक करेंगे। आप पतीले में भी इसको बेक कर सकते हैं। हम इसको, ये हमारा छांचा ज़्यादा बड़ा है तो इसको ओवन में बेक करेंगे। ओवन प्री हीट हो चुका है। अब हम इसमें ये स्पंज शामिल करेंगे। ये हमारा केक तकरीबन 10 मिनट में बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये रेडी हो चुका है, बिल्कुल इसमें कच्चापन नहीं है। और ये ग्रीन भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक शॉपर में शामिल कर देंगे और गिरा लगा देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से, ये अपने पसीने से सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल। ये हम तकरीबन 200-300 ग्राम मेल्ट विप्ड क्रीम लेंगे। अब क्रीम की कंडीशन देख लें, ये जब भी आपने फेंटनी है ये इस हालत में मेल्ट होनी चाहिए। इसको अब हम फेंट लेंगे। ये देख सकते हैं आप क्रीम का, हमारी का वॉल्यूम कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। ये बिल्कुल सेट हो चुकी है, ये रेडी हो चुकी है। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट फेंटने के बाद ये रेडी हो चुकी है। ये मैं टॉप शेफ मिल्की फूड की क्रीम यूज़ करता हूँ। ये आपको आपकी सिटी, इंशाल्लाह मैं आपके साथ नंबर शेयर कर दूँगा। ये आपको आपकी सिटी में, मुझे ये फैसलाबाद में इस टाइम 420 रुपये केजी मिल रही है, तो मैं आपके साथ आप सारी सिटी के नंबर शेयर कर दूँगा।
आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा कि आपको किस सीरी का नंबर चाहिए, मैं आपको होलसेल का नंबर सेंड कर दूंगा जहाँ से आपको ये बहुत सस्ते में मिल जाएगी। ये हमारा केक पक के रेडी हो चुका है, अब हम इसका पेपर रिमूव करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमने इसका पेपर रिमूव कर लिया है। ये अब हम इसके किनारे साफ करेंगे, इसको एक जैसा चोरस कर लेंगे। किनारे थोड़े से हार्ड होते हैं इसलिए हम इनको रिमूव कर लेंगे। ये अब हम इसकी चार हिस्सों में कटिंग कर लेंगे बिल्कुल एक जैसी। ये आप देख सकते हैं, ये हमने इसकी चार हिस्सों में कटिंग कर ली है। ये हम इस पे अब क्रीम की लेयर लगाएंगे इस तरीका से। ये हमने इसकी एक क्रीम की तह लगा ली, अब हम इसकी बारीक लाइनें काटेंगे। ये हमारा जो ग्रीन स्पंज था सही है, ये अब हम स्ट्रॉबेरी इसमें ऐड करेंगे। ये स्ट्रॉबेरी हमने इसमें इसके अंदर ऐड कर दी, अब हम ये ग्रीन जो हमने पट्टियाँ काटी थी ये इसके अंदर ऐड करेंगे। ये इसके ऊपर अब हम फिर से हल्की हल्की क्रीम लगाएंगे। ये इसके ऊपर क्रीम की तह हल्की सी लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर ये केक रख देंगे। ये हमने उसके ऊपर केक की तह रख दी, अब हम इसको कटिंग बोर्ड पे ले जाएंगे और इसकी सैंडविच के तरीके से कटिंग कर। इसी तरीके से हम दूसरे पीस पर भी क्रीम की तह लगाएंगे। इसके बाद हम खूबसूरत सी स्ट्रॉबेरी लेंगे। इस तरीके से ये हम और ये ग्रीन कलर का हम ये हमारे पास जो पट्टी हमने रेडी की थी वो लेंगे, एक स्ट्रॉबेरी की तह एक पट्टी की तह। इस तरीके से हम ये सारी लगा लेंगे। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत हमारे ये रेडी हो चुकी है। इसके साइड पे भी हम इसी तरीके से स्ट्रॉबेरी लगा देंगे। ये ऊपर वाली तह पे फिर से क्रीम लगाएंगे। इसकी हमने तह लगा ली क्रीम की, अब हम इसके ऊपर इस तरीके से इसकी तह रखेंगे। ये हम इसी तरीके से खूबसूरत तरीके से इसकी चकोर शेप में कटिंग कर लेंगे समोसा शेप में। इसको दरमियान में से कट कर लेंगे। हम इसको फिर से दरमियान में से काट लेंगे, इसको छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और ये हमारी कटिंग हो चुकी है। क्रीम इसमें काफ़ी ज़्यादा है तो अब हम इसको एहतियात से उठाएंगे। माशाल्लाह देख सकते हैं आप, लुक इसकी काफ़ी अच्छी आ चुकी है। ये इस तरीके से पैक करेंगे, ये हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इसको पैक करेंगे। ये इस तरीके से ये हमारा ये सैंडविच केक पैक हो चुका है। ये आप देख सकते हैं इसकी लुक, ये हमारे सैंडविच केक की लुक वैसी नहीं आई, ये आप देख सकते हैं, पर मैं फिर भी आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि ये बना किस तरह का, इसका जायका किस तरह का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जायका इसका बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सॉफ्ट और बहुत शानदार इसका जायका बना है।
काफ़ी लोग कहते हैं कि जैसे कि ये मैंने देखी, मैंने तस्वीर देखी, मैंने कहा ट्राई करता हूँ इंशाल्लाह बनेगा, पर वो बिल्कुल वैसा नहीं बना जैसा पिक में था, थोड़ा सा डिफरेंट बन गया। तो ऐसे हो जाता है अक्सर वीडियो में कि हम बनाना कुछ और चाह रहे होते हैं पर वो सेम वैसा नहीं बनता। तो इसी तरह एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, इसी से बंदा सीखता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।